तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल गणितीय क्लासेस में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, जो हम 3D का रिवीजन कर रहे थे उसमें हमने आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हमने आपको वो बताया था, ठीक है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं वो भी बताया था। यहां पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें अगर दो लाइन्स दी हों तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कब शॉर्टेस्ट होगा, पहले तो हम ये बात करेंगे, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर दो लाइन्स हमारी होंगी तो वो कैसी होंगी, ठीक है। तो पहले देखिए, ये जो स्क्यू लाइन्स होता है कि दो लाइन हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। देखिए हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, मान लो एक लाइन है ये और एक प्लेन में है, ठीक है, और ये भी हमारी एक प्लेन में है। तो ये दोनों लाइंस इस तरह से हो कि ये दोनों इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि ये ना तो इंटरसेक्ट करें और ना ही हमारी पैरेलल हो, ठीक है। तो ना तो इंटरसेक्ट करें और ना पैरेलल हो, ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर आते हैं बात करते हैं कि आखिर अगर हमें दो लाइन ऐसे मिल जाती हैं जो ना तो इंटरसेक्ट करें, मतलब कहीं मीट ना करें, और ना ही पैरेलल हो, मतलब उन दोनों के बीच की समान दूरी नहीं होनी चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो व्हाट इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो हम किस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने जैसे कि आपको बना के दिखाया, अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों को मीट कर जाएंगी, तो इनको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये दोनों अलग अलग जाएं। अब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन चाहिए। देखिए, इफ एल वन एंड एल टू आर टू स्क्यू लाइन्स, हम बात करेंगे स्क्यू लाइन्स की, तो केवल एक और सिर्फ एक ऐसी लाइन हो जो कि दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, मतलब अगर हमने ये एल वन माना ये एल टू माना तो ऐसी लाइन एडजस्ट हो कि वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अगर ऐसी हमें कोई लाइन मिलती है, लेट अस सपोज दिस इज ए बी, अगर हमें ऐसी कोई लाइन मिलती है तो हम बोलेंगे कि भाई वो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। फिर देखो, अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए, मान लो दो लाइन हमारी पैरेलल है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा शॉर्टेस्ट ही होगा, क्योंकि लाइन्स पैरेलल है, एल वन एल टू के पैरेलल है, तो कैसी भी आप लाइन ड्रॉ करो इट विल बी शुड बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए बी, यहां पर ये हमारी लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि हम कहेंगे कि ये दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाए, देखो दो लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर गई, तो यहां पर इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस लिखा है, इसको आप लिख लीजिए कि ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों के बीच में जीरो होगा, तो स्क्यू लाइंस हमारी ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो, तो उनके बीच में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाकर। जरूरी नहीं कि उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको बताओ, बट एक मैंने आइडिया दे दिया। तो दो लाइंस हमारी स्क्यू लाइंस हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो उनके बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, अगर इंटरसेक्ट नहीं करें पैरेलल होंगे तो जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा वही हमारा शॉर्टेस्ट होगा, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको तब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि आप डिस्टेंस ऐसे थोड़ी ना देखोगे। तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द लाइंस, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद बात करते हैं कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो स्क्यू लाइंस का कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो दो लाइंस है हमारे पास, एल वन आर ए वन प्लस लैम्डा बी वन आर ए टू प्लस म्यू बी टू, इस तरह की लाइंस हमने पिछली बार भी ली थी। तो अगर इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो आप ध्यान से देखो, बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर का लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट लेना है ए टू माइनस ए वन से, क्योंकि दोनों स्क्यू लाइंस हैं तो डीआर दोनों के प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। तो बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, काम खत्म हो गया। ये हमारी होगी क्या, जब हमारे पास दो स्क्यू लाइंस दी हो उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है।
अगर मान लो दोनों पैरेलल लाइन होती हैं, तो अगर पैरेलल होती है तो उनके डीआर प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए केवल ए बी वेक्टर बी बन जाएगा। तो इनका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, याद रखना ए टू माइनस ए वन का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी। टेक अ स्क्रीनशॉट, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या दिया है, देखिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमारे पास दो लाइंस दी हैं, आपको क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा कि ये स्क्यू लाइंस हैं या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता करना है, तो सबसे पहले देखो लाइंस के डीआर देखो, पहली लाइन है उसके डीआर हैं 2, 3, 4 और दूसरी लाइन है उसके डीआर हैं 3, 4, 5। तो डीआर बेटा प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल डीआर कैसे होते हैं, जैसे ये 2, 3, 4 दिया है, अब क्या करूं मैं इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करूं या किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, तो बोलेंगे डीआर प्रोपोर्शनल हो गए। जैसे मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 6, 8, पता है ये दोनों डीआर प्रोपोर्शनल हो गए। यानी कि अगर कोई दो लाइंस आपको दी होती जिनके डीआर इस तरह से दिए होते तो उनको बोलते हैं कि दोनों पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के केस में हमारा फॉर्मूला आपको यही लगाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहां पर क्या है कि डीआर हमारे प्रोपोर्शनल नहीं है, और जब हमारे डीआर प्रोपोर्शनल नहीं है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा, ये वाला। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब तुम इन लाइंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था आपको कि L1 जो हमारा होगा R वेक्टर, पहले क्या करना है A वेक्टर लिखना, फिर से सीख लो। तो A वेक्टर हमारा वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, लाइन पास किससे हो रही है 1, 2, 3 से। तो I प्लस 2J प्लस 3K, ये हमारा वो वेक्टर हो गया जिससे लाइन पास हो रही है, ठीक है, पोजिशन वेक्टर उसको बोलते हैं। लैम्डा टाइम्स हमारा डीआर वाला वेक्टर कौन सा होगा, 2i 3j 4k, 2i + 3j + 4k, काम खत्म हो गया। दूसरी लाइन लिख लो, r वेक्टर इज इक्वल टू 2, 4, 5, यानी कि 2i + 4j + 5k, काम खत्म। प्लस म्यू टाइम्स, लैम्डा ले चुके हो तो डिफरेंट कॉन्स्टेंट लेना होगा, म्यू टाइम्स इसके डीआर क्या है 3, 4, 5, तो हो जाएगा 3i + 4j + 5k, काम खत्म हो गया। दो लाइन आपके पास आ गई, अब आप देखो इससे कंपेयर कर दो a1 + λb1, तो ये वैल्यू हमारी किसकी हुई बेटा a1 की, और ये वैल्यू किसकी हुई b1 की, ये वैल्यू किसकी हुई a2 वेक्टर, और ये वाला वेक्टर हमारा b2। तो हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ab फॉर्मूला लगा दिया, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स हमने मान लिया कि ab है, तो ab का मॉडुलस लो या ना लो, क्योंकि मॉडुलस तो यहां पर लगाना ही है, क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2, और इसका लेना है डॉट प्रोडक्ट a2 - a1 के साथ डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। तो क्वेश्चन बड़ा आसान बन गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 आप कैसे निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से। तो b1 वेक्टर हमारा ये रहा, b2 ये रहा, तो i, j और k हमने बनाया, और फिर 2, 3, 4, 3, 4, 5, इसको सॉल्व कर लीजिए। आई के साथ क्या आएगा, 3, 5, 15 - 16 - 1 - j टाइम डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, 2, 5, 10 - 12 - 2 प्लस k टाइम्स 2, 4, 8 - 9 - 1। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, -i + 2j - k, ये हमारा क्या है b1 क्रॉस b2। फिर इसके अंदर क्या करना होगा, हमें b1 क्रॉस b2 मिल गया, b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस लेना है। तो b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस कैसे लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही बनेगा, -1 स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1 लिखते हैं डायरेक्ट, 2 का 4, 2 स्क्वायर 4 और फिर से आ गया 1, तो 4 और 6 हो गया, रूट 6 आ गया क्या b1 क्रॉस b2। अब आपको क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, उसका लेंथ निकाल लिया, a2 - a1 निकालना है। तो a2 - a1 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दो वेक्टर्स को माइनस करना होगा। चलो तो करो a2 - a1, तो a2 - a1 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, a2 - a1 इज इक्वल टू, देखो 2i - i, प्लस 4j - 2j 2j, प्लस 5k - 3k 2k, काम खत्म, सब कुछ मिल गया। आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, तो AB की वैल्यू हो जाएगी, मतलब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे टू चेक कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो AB है, तो
मॉडुलस ऑफ वी वन क्रॉस वी टू क्या है, माइनस आई प्लस टू जे और माइनस के, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, आई प्लस टू जे प्लस टू के डिवाइडेड बाई वी वन क्रॉस वी टू का लेंथ कितना है रूट सिक्स। अब आपको इसका मॉडुलस देना है, इसको सॉल्व करो, माइनस डॉट प्रोडक्ट लेना माइनस वन, टू इंटू टू प्लस का फोर, माइनस वन इंटू टू माइनस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिक्स, मॉडुलस ले लो क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव आता है, तो फोर माइनस टू टू, टू माइनस वन, टू माइनस वन वन, तो वन अपॉन अंडर रूट सिक्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन स्क्यू लाइन। ठीक है, तो याद रखना आपको हमेशा वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ये बात बहुत ध्यान रखना कि आपको हमेशा वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करना है और कार्टेशियन फॉर्म का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो आपको नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि उसमें होगा आपका टाइम बर्बाद। तो अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन दी है, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया कि डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन से आप वेक्टर में कन्वर्ट करो और डायरेक्ट ये लगाओ तो बड़ी आसानी से निकल के आई है। अगर आप वो लगाते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म वाला, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये मेथड बेस्ट है, चाहे आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो चाहे आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हो। इसके बाद एक बात और बताते हैं, जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। तो पहले ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन की बात खत्म करते हैं, अब हम सिर्फ फोकस करेंगे इस फॉर्मूले को। तो ध्यान से देखिए, अगर ये फॉर्मूला मेरे पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ठीक है, ये सबको हटा देता हूं ताकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पे रहे। ठीक है, अगर ये दो लाइंस हमारी इंटरसेक्ट होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो बेटा वो लाइंस तो स्क्यू लाइंस रहेंगी क्योंकि स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन क्या थी कि लाइंस जो इंटरसेक्ट भी ना हो और पैरेलल भी ना हो। लेकिन अगर मान लो कि मैं आपको लाइंस दी हैं और उसने बताया कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गया। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गया तो हमने ए बी इक्वल टू जीरो कर दिया, जैसे तुम ये जीरो करोगे ये उधर जाएगा, बी वन क्रॉस बी टू ब्रैकेट ए टू माइनस ए वन। अब अगर तुम्हारे सामने कभी भी ये कंडीशन मिल जाए तो आप बोलोगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। ठीक है बेटा, तो लाइंस यहां से क्या पता लगा कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो बहुत अच्छे से समझ लो ये बात कि जब भी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये वाला, और फिर आपको इसको जीरो कर देना है तो ये प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। जैसे ही आप लगाओगे तो आप बोलोगे लाइंस इंटरसेक्टिंग है। मान लो अगर ये नॉन जीरो आता, मतलब बी वन क्रॉस बी टू डॉट प्रोडक्ट विद ए टू माइनस ए वन, अगर मान लो ये नॉन जीरो आता, पता है लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, और क्योंकि बी वन और बी टू अलग है तो ना तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ना पैरेलल लाइन होंगी, क्योंकि बी वन और बी टू दो अलग अलग वेक्टर होने चाहिए, प्रोपोर्शनल भी ना हो, मतलब आपको कभी ये चीज भी ना मिले, ये चीज ना मिले किसके लिए, नॉन पैरेलल के लिए। अगर पैरेलल हुए तो इस तरह की कंडीशन आपको मिलेगी। ठीक है, बता रहा था कि अगर ये कंडीशन नॉन जीरो होती है, मतलब बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अगर नॉन जीरो होता है तो हम बोलेंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई तो हमने शॉर्ट डिस्टेंस को जीरो कर दिया, लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं हुई तो ये वाली कंडीशन नॉन जीरो आ जाएगी। बस इतना सा खेल है। तो आपको स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस है ना, इन दोनों के बीच का फर्क अच्छे से पता होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि उनमें मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, कम से कम डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज व्हाई द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो क्या सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, बस आपको ये देखना है। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई करोगे, स्क्यू लाइंस का काम हमारा खत्म हो गया। तो ये चैप्टर हमारा फुल पैक हो गया, जिसमें हमने आपको जितना सिलेबस 2023 में आ रहा है उसका पार्ट पूरा कवर हो गया। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, नोन एज लीनियर प्रोग्रामिंग।